राइट दोस्तों, इस वीडियो में अभी हम लोग रिस्क टू रिवार्ड के बारे में देखेंगे। रिस्क टू रिवार्ड वो क्या होता है, ये जैसे अपना मनी मैनेजमेंट में हमने देखा कि कितना इम्पॉर्टेंट है लॉट साइज डिसाइड करना, ये समझना कि भाई मेरे अकाउंट साइज के हिसाब से कितने का लॉट होना चाहिए। अगर वो चीज़ हम नहीं समझेंगे तो फिर आपके सारे कैलकुलेशंस गलत हो जाएंगे। इससे कोई मतलब नहीं पड़ता कि कौन सा सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं, या कि कौन से 30 मार्खा के साथ आप सीख रहे हैं या सिखा रहे हैं, जो भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मनी मैनेजमेंट नहीं किया तो आप उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में 90% लोग जाते हैं, मतलब कि लॉस की दिशा में ही आप जा रहे हैं। राइट, तो वो हमने देखा कि पहले हमारे अकाउंट साइज के हिसाब से हमारे लॉट साइज कितने होने चाहिए, कितने परसेंट होने चाहिए, और उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो तो एक ऐसा लक्ष्मण रेखा है, उसको क्रॉस ही नहीं करना चाहिए। अगर आप क्रॉस करेंगे तो आप अपने अकाउंट को अपने हाथों से खत्म होते हुए 1 हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर देखोगे। मैं लिख के दे सकता हूँ इस चीज को, ठीक है? तो वो जहन में रखना। उसके बाद में रिस्क टू रिवार्ड, बहुत ही बढ़िया चीज है ये, इसको ध्यान दीजिए। ये भी, ये सारी चीजें मार्केट में कोई बात ही नहीं करता है इन सब चीजों की। मार्केट में बात करते हैं तो सिर्फ इंडिकेटर्स की बात करते हैं लोग। हमारा इंडिकेटर ले लो, हमारा सिस्टम ले लो, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, कुछ नहीं होता है। अल्टीमेटली ये ही चीजें होती है जो डिसाइड करती है। आपने पेट्रोल पंप वालों को भी देखा है, मैं हॉट हाईवे में जाता हूं तो देखता हूं कि पेट्रोल पंप बंद पड़े होते हैं। आप सोच सकते हैं हिंदुस्तान में पेट्रोल पंप बंद हो सकते हैं क्या? लोग 5-5 करोड़ रुपया देते हैं अच्छी जगह पे पेट्रोल पंप का लाइसेंस लेने के लिए। आप सोच कर देखिए, मैंने सुना है, मुझे पता नहीं देते हैं कि नहीं देते हैं, डिप्लोमेटिकली राइट रहना चाहूंगा मैं, लेकिन आप सोच कर देखिए कि जो चीज आप इतना ज्यादा खर्चा कर कर भी आप खरीदने की कोशिश करते हैं लाइसेंस, वही चीज भी बंद हो जाती है, वह चीज भी फेल हो जाता है। तो जरूरी नहीं है कि आप कौन से प्रोसेस में काम करते हैं, कौन से सिस्टम में काम करते हैं, जरूरी है कि आप कौन सा मनी मैनेजमेंट यूज करते हैं। आपने मैनेजमेंट कैसे किया, आपने उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया, आपने अपने फाइनेंसेस को कैसे हैंडल किया, है ना? कपूत तो क्यों धन सींचे, कपूत तो क्यों धन सींचे भाई, सपूत तो क्यों सींचे और कपूत तो क्यों धन सींचे, ये भी वैसी ही बात है भाई। अगर आपका मनी मैनेजमेंट रहेगा तो बाकी सब कुछ ठीक रहेगा। रिस्क टू रिवार्ड को ध्यान से सुनिए, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है ये। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो बोलते हैं उसको, कहते हैं RR, रिस्क टू रिवार्ड। ठीक है, अब देखते हैं कि हर बिजनेसमैन जब भी धंधा करने को निकलता है तो उसको एक आइडिया रहता है उसके जहन में कि भाई मैं इस धंधे में इतना डालकर इतना कमाने की कोशिश करूंगा। फिर वो रियल एस्टेट वाला होता है तो सोचता है कि यार मैं 50 लाख में ये खरीद कर मैं कोशिश करूंगा कि मैं आने वाले 6 महीने में इसे 75 लाख से 70 लाख के बीच में बेच दूंगा। कपड़े वाला सोचता है, एक समझो कि टेलर है, वो सोचता है कि मैं XYZ में लेकर प्लस इतना करके मैं बेच दूंगा। कोई भी धंधा हो दुनिया का, फिर वो रियल एस्टेट हो या मूवी मेकिंग हो या कोई भी धंधा हो दुनिया का, इडली बनाने से लेके पानी पूरी वाले तक, हर आदमी के दिमाग में एक चीज रहता है कि मैं इतना कमाने के लिए इतना खर्च करने को तैयार हूं, कि मैं इतना अगर मैं खर्च करूंगा तो मुझे इतना कमाना है। राइट, कि भाई मैं कितना खर्च करने को तैयार हूं, मैं स्पेंड कितना करने को तैयार हूं, या लॉस कितना लेने को तैयार हूं। अब ट्रेडिंग में हम लोग लॉस कहते हैं, पर एक्चुअली बिजनेस में इसको स्पेंडिंग कहते हैं। दो चीज होती है, इनकम और एक्सपेंडिचर, आवक और जावक। तो फिर आपके हाथ में आप कितना लूज करने को तैयार हैं, या आप कितना स्पेंड करने को तैयार हैं, आप कितना खर्चा करने को तैयार हैं इतना कमाने के लिए, इसका आइडिया हर आदमी को रहता है। ठीक है, कि मैं इतने प्रॉफिट के लिए इतना लूज करने को तैयार हूं। लेकिन ट्रेडिंग में जो आता है वो कोई ये आइडिया लेके नहीं आते हैं। आपने कभी सुना है कि ट्रेडिंग में लोग आते हैं, वो कहते हैं कि मैं इतना डाल के इतना कमाने की कोशिश करूंगा। हर आदमी विशफुल थिंकिंग लेके आता है, सोचता है बस मैं 50,000 से खोलूंगा, और एक्सेल शीट खींच देता है और उस एक्सेल शीट से सोचता रहता है कि वो 6 महीने के बाद 1 करोड़ रुपया हो जाएगा, 2 करोड़। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब हवा किल्ले वाली बात होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये भी वही बिजनेस है, समझिए आप। ये तो ऐसी बात हो गई कि वो दही बेचने वाला सोचता होगा कि यार मैं 30 रुपये में लीटर दूध लेता हूँ गांव से, और जो बेचता हूँ आज मैं 60 रुपये में बेचता हूँ, तो मैं हर घंटे में इतना दूध लेके इतना बेचूंगा तो 6 महीने के अंदर मैं करोड़पति हो जाऊंगा। ऐसा थोड़ी होता है। कभी दही खट्टा हो जाता है, उसको फेंकना पड़ता है, कभी दूध आते आते फट जाता है,
कभी उधर से ही खराब दूध आता है, ये सारी चीजें तो कोई कैलकुलेशन में लेता नहीं है आपका। एक्सेल शीट तो यही बोलता है कि हाँ भाई तुमने इनपुट किया आउटपुट किया खींच दो, हम आपको 200 दिन का दे देंगे। राइट तो ये अपना रिस्क टू रिवार्ड आपको एक आइडिया देता है, आपको सोचने पे मजबूर करता है कि इस ट्रेड में आपकी मंजिल क्या है और आप उस मंजिल पर पहुंचने के लिए कितना खर्चा करने को तैयार है। सोच लीजिए इस ट्रेड में, इस सौदे में, इस बिजनेस में, इस डील में आप कितना कमाने की आपकी इच्छा है और उसको कमाने के लिए आप कितना खर्चा कर सकते हैं। ये सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा इसके पहले कि आप ट्रेडिंग में घुसो। अगर आप ये चीज नहीं समझते हैं और ये चीज आपके जहन में नहीं है तो फिर क्या होगा, आप घुसेंगे 5 पिप का प्रॉफिट, अरे यार लगता है ये तो नीचे जा रहा है यार, चलो 10 पिप का प्रॉफिट ले लेते हैं, अरे यार लगता है ये तो ट्रेंड चेंज हो गया यार। नहीं, आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। आपको सोचना है कि मुझे लगता है आपका जो भी सिस्टम हो, आपने इतनी सारी चीजें पढ़ी है, ट्रेंड देखा हुआ है, RSI देखा है, स्टोकेस्टिक देखा है, मूविंग एवरेजेस देखा, आपने फिबोनाची देख लिया आपने, है ना। अब आप देखेंगे, अगर आपने वो देखा नहीं है तो आप ये सारी चीजें आपने देखी है, आपको पता है कि भाई चलो ये क्रॉसओवर हो गया है, मैंने ये देख लिया, मैंने वो देख लिया, अभी तो मार्केट इधर से इधर जाना चाहिए, तो आपको अल्टीमेटली ट्रेड करने से पहले जो बाई या सेल का बटन दबा रहे हैं आप, उसके पहले आपके दिमाग में ये चीज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मैं इस ट्रेड में कितना कमाना चाहता हूं और उस कमानी के लिए मैं कितना खर्च करना चाहता हूं, मैं कितना खर्च कर सकता हूं, मैं कितना एफोर्ड कर सकता हूं। अगर इस चीज को आपने नहीं समझा तो आप कदा आप ट्रेडिंग करने के लायक नहीं है। राइट, आप बोलेंगे कि नहीं मैं मुझे पता है, मुझे दिखता है, अरे बहुत सारे लोग ऐसी बातें करते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। आपको आइडिया होना चाहिए एक ये बिजनेस है, ये है ना, ये बिजनेस है, ये बाकी बिजनेसों की तरह ये भी एक बिजनेस है। तो इसके अंदर जैसे नॉर्मल बिजनेसमैन कहता है, एक पानी पूरी वाला भी कहता है कि चलो यार मैं आज अगर 500 रुपए का माल बना के ले जाऊंगा तो वापस जब घर आऊंगा मैं कम से कम 1200 रुपए का बेच के आना चाहिए मेरा गल्ला। हो सकता है उसमें से कुछ आलू वापिस लेके आना पड़े बफा हुआ, हो सकता है कि उसमें से कुछ पानी बच गया हो उस दिन, हो सकता है कि उस दिन बारिश गिर गई हो, वो सब अलग बात है। लेकिन मेरे दिमाग में तो है कि मैं इस 500 रुपए के माल को अगर मैं खर्चा कर रहा हूं तो मैं कम से कम 1200 रुपए का प्रॉफिट लेके आऊंगा। वो चीज हमारे बिजनेस में बिल्कुल नहीं है, हमारे ट्रेडिंग में कोई इसको सोचता ही नहीं है। ठीक है, अभी एक एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको आइडिया दिमाग में बैठ जाए। अगर समझो कि आप कहते हैं कि आप टेलर हैं, समझिए, या आप एक रिटेलर शर्ट बेचने वाले हैं और आपको एक आइडिया है कि चलो मैं एक नया नया ट्रेंडी शर्ट बनाता हूं और उसको बेचता हूं। ठीक है, और आपने कहा कि मैं 100 रुपया खर्चा करने को तैयार हूं इस शर्ट पे। कितना? 100 रुपया खर्चा करने को। आप पहले कैसे लेंगे आप, मैं 100 रुपया खर्चा करने को तैयार हूं इसमें तो मैं कितना उसको बेचूंगा, कितने में बेचूंगा? मैं 100 खर्चा करने को तैयार हूं तो मैं उसको कितने में बेचूंगा? ठीक है, आप कहते हैं चलो यार मैं 100 खर्चा करूंगा और मैं 150 में बेचूंगा उसको। आपको आइडिया है, आप गए लोगों से पूछा, आपने वो जत्थाबंद व्यापारी होलसेलर से आपने कपड़े का भाव पूछा और आपने जाके होलसेल जो टेलरिंग करते हैं उनसे भी पूछा, आपने इन एक दो तीन छह लोगों को पूछा, आपने आपको लगा कि 100 रुपये में कपड़ा तैयार हो जाएगा और 150 रुपये में बिक जाएगा। ठीक है, ये बिजनेसमैन ऐसे सौदा करता है हमेशा। चलो अचानक आपका दोस्त आता है और कहता है अरे यार चाइना से बनवा ले भाई। ठीक है, मैं उस पॉइंट पे बाद में आता हूं, इसके पहले अपन इसको समझते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, उसने उसने कहा कि भाई मैं 100 रुपए का रिस्क लेने को तैयार हूं। कितना बनाने के लिए? 50 रुपया बनाने के लिए। वो कहता है मैं 100 रुपए का रिस्क लेने को तैयार हूं, मैं 50 रुपया बनाने के लिए। मतलब मैं 100 रुपए को खो सकता हूं, एक्स्ट्रा 50 रुपया इस आने वाले 2 महीने में बनाने के लिए, इस आने वाले 1 महीने में बनाने के लिए। वो कह रहा मैं इसी चीज को 100 रुपए को बार बार लगाकर मैं 1 साल में 4 बार लगाऊंगा, 3 3 महीने करके, तो मैं इस 100 रुपए का मैं 200 रुपया कमा सकता हूं। तो मैं ये 100 रुपए को खोने को तैयार हूं मुझे ये 50 रुपया कमाने के लिए, क्योंकि मैं 100 में बनाऊंगा और 150 पे खर्च करूंगा। ठीक है, अब चांसेस ये भी हैं कि भाई ये 100 भी उसका खो जाए, है ना,
ट्रेंड नहीं चला, माल नहीं आया, माल ठीक नहीं है, वो फिटिंग ठीक नहीं है, लोग पैसा नहीं दे रहे हैं, या सामने वाले ने जिसने लिया उसने आपको वैसा पैसा नहीं दिया, तो काफी कुछ हो सकती है। लेकिन हो तो सकता है ना कि आप लॉस कर सके, ऐसा दुनिया में कोई धंधा नहीं है कि जिसमें आप लॉस नहीं कर सकते हैं। तो भी उसके जहन में ये चीज तो क्लैरिटी है कि मैं 100 रुपया खर्चा कर कर इस 50 रुपए को कमाने की कोशिश करूंगा, या वो ये कह रहा है कि मैं ये 50 कमाने के लिए आने वाले 3 महीने में मैं ये 100 रुपए को रिस्क लेना चाहता हूं, राइट? ठीक है ना? कि अब किसी ने उसको बोल दिया, जैसे मैंने पहले बताया कि भाई चाइना में सस्ता मिलता है, तो क्यों ना मैं इसको 50 रुपए में बनवा लूं। ठीक है, वो कहता है कि 100 रुपए में बना के मैं 150 में बेचूं तो ये तो थोड़ा रिस्की लगता है मुझे, क्यों ना मैं इसको चाइना से बनवा लूं और मैं 50 रुपए में बनवा लूं। तब वो भाई चाइना से इस चीज को बनवाता है 50 रुपए में, मतलब कि अब वो कह रहा है कि मैं 50 रुपया रिस्क लेने को तैयार हूं 100 रुपया कमाने के लिए। अब उसको ज्यादा ल्यूक्रेटिव लगता है, पहले उसको लग रहा था यार 100 रुपया मुझे रिस्क लेना पड़ेगा 50 रुपया कमाने के लिए, थोड़ा ज्यादा रिस्की लग रहा है ये बिजनेस। लेकिन अब जब उसने सुना कि 50 रुपया डालकर वो 100 रुपया कमा सकता है, तो उसको लगता है कि नहीं यार ये अच्छा सौदा है, अगर मैं चाइना से माल मंगवा लूँ, चाइना से मैं ये शर्ट बनवा लूँ 50 रुपये में, अगर मुझे लैंडिंग कॉस्ट पड़ेगा और मैं अगर 150 रुपये में उसी चीज को बेचूंगा, तो मैं 50 रुपया रिस्क लेकर मैं 100 रुपया कमा सकता हूँ। अब उसको अच्छा लगता है, राइट? चलिए, अगर आप उसकी जगह पर होते तो आपको कौन सा सौदा अच्छा लगता? 100 रुपया डालकर 50 रुपया कमाने वाली अपॉर्चुनिटी अच्छी लगती, या 50 रुपया डालकर 100 रुपया कमाने वाली अपॉर्चुनिटी अच्छी लगती है? अब जाहिर है 50 रुपया जितना कम होगा आपको उतना अच्छा है। अगर आपको कोई आके बोलेगा कि 5 रुपया डाल के आप 50 रुपया कमा सकते हैं, तो आप और एक्साइटेड हो जाएंगे। तो इसको रिस्क टू रिवार्ड बोलते हैं। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जो होता है वो डिसाइड करता है कि आपका रिस्क कितना है और आपको रिवार्ड कितने मिलने वाला है, राइट? आगे बढ़ते हैं। तो इसका रिस्क टू रिवार्ड कितना हुआ? हम कहेंगे कि भाई वो 1 रुपया, क्योंकि 50 रुपया अगर वो खोता है तो 100 रुपया उसको मिलता है, तो इसका रेशियो बन जाता है 1:2, है ना? 1:2, इसको 1:2 बोलते हैं। मतलब वो कहता है कि भाई मैं अगर 1 रुपया खोने को तैयार हूं तो मुझे 2 रुपया इस सौदे में दिखता है, राइट? मैं 1 रुपया डालकर मैं 2 रुपया निकालने की कोशिश करूंगा, या मेरा रिस्क कितना है, 1 पार्ट का रिस्क है मुझे और 2 पार्ट का मुझे प्रॉफिट मिल सकता है ना? अब उसके दिमाग में दूसरे कैलकुलेशंस चल जाएंगे। वो कहेगा कि अगर मैं सिर्फ 50% भी मैं बेच दूं माल, अगर मैं 50% जो मैंने माल बनाया, समझो 1,00,000 शर्ट बनाया, 1,000 शर्ट बनाया, इनमटेरियल बात है वो, लेकिन अगर समझो जो भी बनाया उसने, समझो 1,000 शर्ट बनाया इस एग्जाम्पल के लिए, तो वो सोचेगा कि अगर मैं 500 शर्ट भी इसमें बेच दूंगा तो मेरा प्रॉफिट निकल जाएगा, भाई मुझे ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, उसके बाद में जो भी आएगा वो मेरा प्रॉफिट है। ठीक है, अब देखिए पूरा इक्वेशन कैसे चेंज हो रहा है। 100 रुपए का शर्ट 150 रुपए में बिक रहा है, आपको लग रहा है यार 100 रुपया रिस्क लेना पड़ेगा मुझे 50 रुपया कमाने के लिए। अभी पूरा पलटा उल्टा हो गया, चाइना से माल आ रहा, वो कह रहा 50 रुपया मुझे खर्च करना पड़ेगा 100 रुपया कमाने के लिए, ज्यादा ल्यूक्रेटिव हो गया। ठीक है ना, अब वो क्या बोलता है कि 50%, अभी दूसरा इसको देखने का तरीका जो मैंने बताया कि 50% भी मेरा माल अगर बिक गया, अगर मैं 50% के भी मेरे पास कस्टमर्स होंगे, अगर समझो 50% लोग भी, अगर समझो 4 कस्टमर बोलते हैं कि हाँ भाई 1,000 मेरा 250 लेके आना, मेरा 250 लेके आना, मेरा 250 लेके आना, तो उसके पास 1,000 का ऑर्डर है, तो वो सोचता है कि मैं 2,000 माल मंगवाता हूँ, 1,000 इनको दे दूंगा, उसके ऊपर जो बिकेगा वो मेरा ही है पूरा पूरा, राइट? है ना? तो उसको उसको 1 रुपए के सामने 2 रुपए का उसको प्रॉफिट दिख रहा है, तो वो कह रहा है कि बस मेरा 50% बिक जाए, मेरा उसके बाद में प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। ठीक है, ग्रेट। लेकिन यह एटीट्यूड या ये थिंकिंग मानोगे नहीं आप, 99% लोगों में नहीं है ट्रेडिंग में। जो रिटेलर आते हैं वो सोचते ही नहीं है कि उनको करना है क्या, वो सोचते ही नहीं कि कितना उसको प्रॉफिट चाहिए, वो सोचते ही नहीं कि कितना मुझे मार्केट में निकलना है इस एक ट्रेड में, वो समझते ही नहीं है कि भाई मैं ये जो अभी डाला है मैंने, $100 का मैंने जो मार्जिन मनी डाला है, 0.1 का ट्रेड लिया है मैंने, तो इसमें मेरा टेक प्रॉफिट कितना है, मेरा स्टॉप लॉस कितना है, मैं कितना स्टॉप लॉस देने को तैयार हूँ कितना प्रॉफिट लेने के लिए, क्या मेरा सिस्टम उस चीज को दिखा रहा है, ये चीज तो कोई समझता ही नहीं है, ये चीज तो कोई जानता ही नहीं है, ये चीज तो कोई सोचता ही नहीं है, और घुस जाते हैं ट्रेड में भाई मेरे मन को भाया करके। बराबर, हमको लगा अच्छा है
और ट्रेड करना है कि उसमें जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट ट्रेड करना है के नाम से हम लोग घुस जाते हैं, ये बिल्कुल गलत एटीट्यूड है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो यूजुअली क्या होता है, 90-95% लोग जो हैं, अनफॉर्चुनेटली मैं कह रहा हूं, आप भी जब ट्रेड करेंगे आपके दिमाग में बैठेगा वो $10 $500 के प्रॉफिट में निकल जाते हैं। ट्रेड उनके होते हैं दो दो माइक्रो सॉरी मिनी लॉट्स के होते हैं, 0.2 के लॉट्स मारेंगे, 0.5 के लॉट्स मारेंगे और $10 प्रॉफिट पे काट लेंगे, क्योंकि वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं, क्यों, उनके पास प्लानिंग ही नहीं है। सोच कर देखिए, आप सोच कर एक मिनट के लिए देखिए, कोई ऐसा बिजनेसमैन होगा जो 2,50,000 रुपए का माल लेके आएगा और 500 रुपया 200 रुपया 100 रुपया के प्रॉफिट पे संतुष्ट होकर बंद कर देगा सौदा, वो हर सौदे में चाहेगा ज्यादा मिले, है ना, क्योंकि उसके पास एक प्लानिंग है, उसके पास एक आइडिया है, है ना। यहां पर हमारे पास आइडिया है नहीं, हमारे पास प्लानिंग नहीं है। आपने भी डेमो में देखा होगा 10 पिप 15 पिप पर तो पेट भर जाता है, पेट का पानी हिल जाता है, लेकिन जब लॉस होता है, बाप रे बाप, जब लॉस होता है तो हम उसको 20,000 50,000 तक हम लोग लॉस में रखते हैं। आप जो नए हैं वो जानते नहीं है, आप भी वही करेंगे, हर आदमी वही करता है, मैंने भी किया, मैंने भी लॉस खाया, मैंने भी किया है, आप भी वही करेंगे, हर आदमी यही करता है। वो क्या करता है, स्टार्टिंग में इमोशंस को छोड़ देता है, वो कहता है मार्केट यहाँ से वापिस घूमेगा, उसके पास ना स्टॉप लॉस का आइडिया है, ना उसके पास टेक प्रॉफिट का आइडिया, उसको किसी चीज़ का आइडिया नहीं है, वो बस एक ही चीज़ करता है कि बस भाई ये मेरा किसी तरह से वापस घूम जाए। फिर वो शिरडी के साईं बाबा का नाम लेता है, कोई पता नहीं किस किस का नाम लेता है, सारी मन्नतें याद आ जाती है, सारी दरगाह याद आ जाती है, हर चीज़ याद आती है, लेकिन काम किसी चीज़ का लगता नहीं है, क्योंकि मार्केट में कोई देवी देवता काम नहीं करते हैं, राइट, क्योंकि आप बाई करके प्रार्थना कर रहे हैं और सामने कोई सेल करके प्रार्थना कर रहा है, तो भैया किसकी मन्नत सुनी जाएगी, आपकी सुनी जाएगी कि उसकी। इसलिए प्रभु ने बोल दिया शायद कि भाई कहाँ मैं इसको दुखी करूँ उसको सुखी करूँ, उससे अच्छा कि इसमें आना ही नहीं है। मैं समझता हूँ मार्केट में कोई किसी प्रकार की मन्नतें चलती नहीं है, क्यों, क्योंकि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड ठीक नहीं है। यहाँ पर लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया 500 रुपये का प्रॉफिट में पेट भर जाएगा, लेकिन उसी जगह पे 50,000 5,00,000 रुपये का भी लॉस लेने को तैयार रहते हैं लोग। एक ट्रेड में अपना अकाउंट खाली करने वाले लोग हैं मैंने देखे हुए हैं। अब इनका रिस्क टू रिवॉर्ड क्या हुआ, अभी आपने इतना सुना है तो इनका रिस्क टू रिवॉर्ड क्या हुआ मुझे बताइए, 500:20,000, राइट, तो उसका मतलब हुआ 1:40, मतलब 1 रुपया कमाने के लिए भाई साहब 40 रुपया भी खोने को तैयार है। सोचिए कितनी मूर्खता की बात है, कितनी इमेच्योरिटी की बात है, मूर्खता तो छोड़ो इमेच्योरिटी की बात है। सोच कर देखिए आप, क्या रियल लाइफ में ऐसा आप करेंगे कि 1 रुपया कमाने के लिए आप 40 रुपया खोएंगे, कोई नहीं होता है। लोग कहेंगे क्या बेवकूफी है भाई, 1 रुपया कमाने के लिए कोई 40 रुपया खो सकता है क्या, लेकिन ट्रेडिंग में साहब हर आदमी 1 रुपया कमाने के लिए 40 रुपया खोने को तैयार रहता है, क्योंकि वो ना स्टॉप लॉस रखता है, ना रिस्क टू रिवॉर्ड को रखता है, ना वो टेक प्रॉफिट रखता है, बस ट्रेड में अंधे की तरह घुसता है, अंधे की तरह लगा रहता है और अंधे की तरह अंधा होके वापस आ जाता है। अगर आपको ये नहीं करना है तो आपको रिस्क टू रिवॉर्ड को समझना पड़ेगा, रिस्क टू रिवॉर्ड को आपको मेंटेन करना पड़ेगा और टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस आपके हर ट्रेड के होने चाहिए, इसके पहले कि आप बटन दबाओ ये दोनों चीजें होनी चाहिए। ठीक है, एक और इसमें पहलू है उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। जो अपना बिजनेसमैन है उसका रिस्क टू रिवॉर्ड कितना था, 50 रुपया डालकर वो 150 रुपया निकल रहा है, मतलब उसको प्रॉफिट कितना था, 100 रुपए का प्रॉफिट था, मतलब 50 के लॉस पे 200 का प्रॉफिट हो सकता था, तो 1:2 बोलेंगे हम, है ना, हर 1 रुपए पे उसको 2 रुपए का प्रॉफिट हो सकता था। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर समझो वो 3 ट्रेड उसने मारे, 3 सौदे उसने किए, उन 3 सौदों में अगर उसका एक भी सौदा सही रह गया तो उसका पैसा वसूल 3 और 3 सौदे का। समझ रहे हैं आप मैं क्या बोल रहा हूं, सपोज कि उसने 3 सौदे मारे, उसमें पहले दो उसके गलत हो गए, दोनों दो में उसने पूरा पैसा गवा दिया। ठीक है, उसने पहले 50 रुपया डाला, पैसा गवा दिया उसका, जो माल आया मैं कह रहा हूं चलो 50,000 रुपया डाला, पहला ट्रेड उसका खत्म हो गया, माल आया नहीं, उसका सौदा खत्म हो गया, लॉस हो गया उसको 50,000 का। वापिस उसने 50,000 डाला, वापिस समझो उसको लॉस हो गया,
लेकिन तीसरी बार उसने जब डाला तो उसको मिल गया, उसको 150 में उसने पूरा बेच दिया, तो अब उसने 100 रुपए का प्रॉफिट कमाया या 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया। तो उसने जो 50-50,000 पहले लॉस किए या 50-50 रुपए जो लॉस किए वो दोनों उसके कवर हो गए, क्योंकि उसका रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो 1:2 का है। इतना इंपॉर्टेंट पहलू है ये, अगर आप इसको समझेंगे और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके ट्रेडिंग में 4 चांद लग जाएंगे। मुझे नहीं पता कि आप कितने समय से आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को समझ जाएंगे और उसके हिसाब से करेंगे तो आपके ट्रेडिंग में सही में एक बहुत ही अच्छा बदलाव आ सकता है। ठीक है, मतलब मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड अगर समझो 1:1 रहा, मतलब 1 रुपया डालकर मैं 1 रुपया लॉस करने की कोशिश, 1 रुपया डालकर मैं 1 रुपया लॉस करता हूं, अगर ऐसा रहा तो मैं, मुझे दो ट्रेड में, एक ही ट्रेड में अगर मैं सही रहा तभी मेरा पैसा आ जाएगा। मतलब आपका स्टॉप लॉस 50 पिप का है, टेक प्रॉफिट भी 50 पिप का है, तो दो ट्रेड में एक सही रहा एक गलत रहा तब भी आप लॉस में नहीं रहोगे, राइट। और समझो कि अगर आपका 20 पिप का स्टॉप लॉस था और 40 पिप का टेक प्रॉफिट था, तो आपको 3 ट्रेड में एक ट्रेड भी आपका प्रॉफिट आ गया तब भी आप प्रॉफिट में रहोगे। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इतना इंपॉर्टेंट पहलू है ट्रेडिंग का। अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:1 से नीचे है तो आप खत्म है मेरे भाई, हमेशा याद रखना इस चीज को। आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमेशा 1:1 पे होना चाहिए, उससे ज्यादा होना चाहिए, उससे कम नहीं। अगर आप 20 पिप का लॉस लेने को तैयार हैं और आप 20 पिप का प्रॉफिट लेने को तैयार हैं तो आप बच जाएंगे, लेकिन अगर आप 20 पिप का स्टॉप लॉस लगाया है आपने और आप समझो कि आपने 100 पिप का स्टॉप लॉस लगाया है और अगर आपने 10 पिप का टेक प्रॉफिट रखा है दोस्तों, तो आप खत्म हो दोस्तों। प्लीज 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 मत कीजिए इस चीज को, ध्यान दीजिए इसको, ऐसा मत कीजिए। रिस्क टू रिवॉर्ड 1 से ज्यादा, मतलब मेरा टेक प्रॉफिट जितने पिप का रहेगा, जितने डॉलर का रहेगा, उससे ज्यादा मेरा स्टॉप लॉस नहीं रहेगा। इन अदर वर्ड्स, मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा जितने भी पिप का रहेगा उससे ज्यादा मेरा टेक प्रॉफिट रहेगा। मैं हमेशा एक ट्रेड में जितना मैं लॉस करने को तैयार हूं उससे ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करूंगा। इसको करके देखिए मेरे दोस्तों, आपको लगता होगा कि कितनी सिंपल बात बता रहा है एडवर्ड, ये सिंपल नहीं है। ये ऐसी चीज है जो ये 90% लोग नहीं समझते, ये 90% लोग नहीं करते और ये 90% लोगों को कोई सुनाता नहीं है, क्योंकि ये वाला जो चीज है ये मार्केट के लिए अच्छा नहीं है, ब्रोकर के लिए अच्छा नहीं है। आप छोटा छोटा करेंगे, आप लंबे समय तक खड़े रहेंगे, ये ब्रोकर के लिए अच्छा नहीं है। ब्रोकर के लिए अच्छा है आप बड़ा बड़ा करें, लंबे समय तक रहें वो ये चाहेगा, लेकिन आप बड़ा बड़ा करें वो ब्रोकर की इच्छा रहती है, राइट। तो अब आपको क्या करना है, दिमाग में रखना है मेरा टेक प्रॉफिट जितने का है उससे ज्यादा मेरा स्टॉप लॉस नहीं रहेगा। इन अदर वर्ड्स, मेरा जो स्टॉप लॉस है उससे हमेशा ज्यादा मेरा टेक प्रॉफिट रहेगा। ख्याल आया आपको, अगर मैंने 50 पिप का स्टॉप लॉस रखा है तो मैं 50 पिप से ज्यादा निकालने की कोशिश करूंगा, भले मेरा ये 50 पिप चला जाए, उसका वांधा नहीं। ठीक है, यही चीज मैंने, अगर आपने $20 का स्टॉप लॉस रखा है तो $20 से ज्यादा होगा आपका टेक प्रॉफिट, नेवर एवर लेस, कभी भी आप उससे कम नहीं रखेंगे। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमेशा मेंटेन कीजिए 1:1 से ज्यादा। अगर 1 रुपया लगा रहे हैं यार, अगर आप 1 रुपया खोने के लिए तैयार हैं तो आप 1 रुपया तो कमाने की उसमें आशा रखिए आप, फिर मतलब क्या, नहीं तो फिर ट्रेडिंग करने का। छोटा छोटा हम निकाल लेते हैं, भाई छोटा छोटा इस जन्म में कोई नहीं निकाल पाया है भाई, आप कहाँ से छोटा छोटा निकालेंगे, कोई नहीं निकालता है। मैं भी ऐसे बेवकूफ़ी करता था, छोटा छोटा निकालने की कोशिश करते थे, कुछ छोटा छोटा नहीं निकलता है भाई, एक बड़ा निकलता है उसमें पूरा जमीन पैरों के तले निकल जाती है। इसलिए वो सब काम नहीं करें जो 3-4 साल लगाए थे मैंने सीखने के लिए, वो सब बता रहा हूं मैं आपको। तो प्लीज वो सब काम मत कीजिए, हमेशा रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1। 3% से ज्यादा मनी मैनेजमेंट में नहीं, हमारा कैपिटल में 3% जो है उससे ज्यादा मेरा मार्जिन में नहीं लगेगा। मैं 1:1 रख के देखूंगा और फिर देखिए साहब आप 4 चांद लग जाएंगे आपके। ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमेशा 1:1, उससे ज्यादा। 20 पिप का टेक स्टॉप लॉस लगाकर 40 पिप का टेक प्रॉफिट रख रहे हैं आप, बहुत बढ़िया, राइट। अगर इसको आप रखेंगे तो आप हमेशा हमेशा के लिए आप मार्केट में इमोशनलेस ट्रेडिंग कर सकते हैं,
अगर आप वो नहीं करेंगे तो आप बैठे रहेंगे यहाँ पर, हर फ्लक्चुएशन में, हर 5 मिनट में आपका दिल धक 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 करता रहेगा, तो वो चीज़ मत करिएगा, ठीक है। दूसरी बात, इमोशनलेस ट्रेडिंग के लिए सीक्रेट टेक प्रॉफिट डालिए, स्टॉप लॉस डालिए और उसके बाद में बंद कर दीजिए लैपटॉप को, मत देखिए उसको, वहाँ पर बैठ के अपना मत दिमाग पकाइए, वहाँ पर बैठ के टेंशन में मत आइए, ख़त्म कीजिए, उसके बाद में मत उधर बैठिए और वहाँ से निकल जाइए आप। अगर वो चीज़ आप नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली ये होगा कि आप इमोशंस में आ जाएंगे, आप मार्केट को देखेंगे, आप न्यूज़ को देखेंगे, आप 10 अलग अलग साइट्स को देखेंगे, 10 अलग अलग एक्सपर्ट्स को सुनेंगे, आप 10 अलग अलग टूल्स को इस्तेमाल करेंगे और कंफ्यूज हो जाएंगे। भाई जो भी सिस्टम है आपका, बस टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस, ये दो चीज़ डालने का आपको, और उसके बाद में भूल जाने का, टीवी बंद कर देने का, आपका लैपटॉप बंद कर देने का, टीवी देखने चले जाने का, बाहर चले जाने का, वापिस बाद में US सेशन में अगर आपने चालू किया तो दूसरे दिन देखने का, UK सेशन में चालू किया तो आपको शाम को 6 बजे के बाद US सेशन में देखने का, ठीक है दोस्तों। और दबंग की तरह रहिए, जैसे अपने सलमान खान साहब बोलते हैं कि मैं एक बार कमिटमेंट करता हूं तो स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट का, अगर मैंने एक बार कमिटमेंट किया तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। अगर ऐसे दबंग रहेंगे तो आप खूब प्रॉफिट कमाएंगे, अगर आप सिसकियां भर भर के डर डर के आप बैठे रहेंगे तो इस जन्म में प्रॉफिट नहीं कमाएंगे। रिस्क टू रिवॉर्ड रखिए, जाने दीजिए आप ये जो पैसा आप लेके आए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो पैसा आप खो सकते हैं उसी को अफोर्ड कर सकते हैं, उसी को लेके आने का, और कोई पैसा एक्स्ट्रा 1 रुपया नहीं आना चाहिए, राइट, वही पैसा लेके आने का, और फिर आराम से इसको ट्राई करके दीजिए, देखिए, बोलिए रिस्क टू रिवॉर्ड मेरा 1 से ज़्यादा होगा, मैं 20 पिप का स्टॉप लॉस रखूंगा तो 40 पिप की अपेक्षा रखूंगा या तो कम से कम 20 पिप से ज़्यादा रखूंगा, फिर आपका सक्सेस रेशियो देखिए आप, ठीक है सर, टेक केयर, गॉड ब्लेस। मार्केट में जिंदा रहना सबसे इम्पॉर्टेंट है, मार्केट में सर्वाइव करना सबसे इम्पॉर्टेंट है, कल तक जिंदा रहेंगे तो डेफिनेटली मार्केट को देख लेंगे। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू, टेक केयर मैन, गॉड ब्लेस यू, बाय। Signing off, Edward.